मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप दोस्त, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी है दोपहर का टाइम, बज रहा है 12। मैं जा रही हूँ छत पर, दीदी ने ना सुबह सुबह बुलाई थी तो मैं कुछ काम में बिजी थी तो नहीं आ पाई हूँ। अभी देखो वो छत दाओ दीदो। दीदी आएगी अभी यहाँ से, वहाँ से ना यहाँ से आएगी, मतलब यहाँ पर से सीढ़ी है तो इधर ही से आएगी। और हमारे इधर का जंगल देख लो, पूरा भरा भरा जंगल। और इस जंगल की वजह से हमको बहुत फ्रेश फ्रेश हवा मिलती है। तो इनवाइट देकर आई हूँ कि आओ चाय बनाएंगे। मतलब दीदी सोच रही थी कि मैं आऊंगी तो वो बनाएगी चाय, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप ही आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। तो दीदी आ रही है। और चाय वैसे ना मैं मतलब अपने लिए ना चढ़ा के गई थी, अपने लिए मतलब दूध वाला चाय। और दीदी जो है ना दूध वाला चाय नहीं पीती है, वो ब्लैक टी पीती है। तो उनके लिए अब मैं बनाऊंगी ब्लैक टी। और ये रही प्रसाद, और प्रसाद मैं दिखाती हूँ एक मिनट, पहले मैं देख लेती हूँ अपना चाय, क्योंकि बहुत देर हो गया ना मैं छत पर गई थी। ये रहा मेरा चाय। पहले मैं अपना चाय को उतार देती हूँ, अब दीदी के लिए चाय चढ़ाती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आज दीदी के यहाँ पर ना पूजा था। मतलब आज तो थर्सडे है और पूर्णम भी है, तो दीदी मुझे बोली थी वो पूजा करी है आज, तो इसलिए वो प्रसाद दी है, तो वही इसको धो लेती हूँ। हाँ और पता है अभी बज रहा है दोपहर का 12:30। मैं आपको बोली थी 12 बज रहा है ना, लेकिन अभी 12:30 बज रहा। मैंने इतना ठीक से मैं ना देखी नहीं थी घड़ी को, तो अंदाजा से ही बोल दिया। और ठंडी के टाइम में कभी भी आप चाय पी सकते हो। और दीदी का चाय बनाने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो ब्लैक टी पीती है, बस पानी थोड़ा सा गर्म होना है, होता है और कुछ भी नहीं। तो मैं इसमें रख लेती हूँ अपना चाय। देती हूँ शक्कर। इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी चाय पत्ती। चाय पत्ती भी थोड़ा सा लगता है ना ब्लैक टी में। बस अब क्या डालना है, अभी अदरक डालूंगी। अदरक का मैंने ना पेस्ट बना के रखा है, तो ये भी अदरक मैं भी डालूंगी इस पे चाय के अंदर। तो दीदी की चाय तो बन रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ प्रसाद। और ये रही प्रसाद। तो ये जो है ना, ये है हम लोग चाल माखा बोलते हैं, तो ये चावल का नैवेद्य बना के भगमाता जी को चढ़ाते हैं, यही वाला। तो ये चावल का नैवेद्य है, पूरी है, हलवा है, फल है, लड्डू है। तो मैं ये वाला जो प्रसाद है थोड़ा सा खा लेती हूँ। और सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए। चाय कलर देखो ना,
मैं अपने टट्टू गरम हो गया, बड़े बालिश बना। और दीदी चली गई है अपने घर, क्योंकि ना उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उनको सर्दी जुकाम पहले से ही हो गया था और अभी बुखार भी हो गई है। तो दीदी बोल रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है, पर ना उनको डॉक्टर भी जाना था डॉक्टर के पास, तो मैंने बोला कल नहीं आज ही चले जाओ, क्योंकि जब जाना ही है तब तकलीफ को क्यों सहना, इससे अच्छा चली जाए। और मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी हूँ, और पता है उस रुई को जो है ना, जो वो टब में रुई भरा था, तो उसको मैं बिछा के आई हूँ धूप में कि ताकि थोड़ा सा धूप लग जाए उसमें, और तब जाके उसको मैं तोड़ूंगी, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब इसकी तकिया बनाऊंगी तो और अच्छा होगा। और लंच भी बना लूँ, क्योंकि दीदी जाने के बाद थोड़ी देर मैं लेट गई हैं थी, और पता नहीं मुझे आजकल क्या हो रहा है, सुबह 5 बजते ही मेरी नींद खुल जा रही है, कुछ करती तो हूँ नहीं सुबह सुबह उतना, कभी कभी कर लेती हूँ काम भी, पर ठंड में ना आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो नींद भी खुल जाती है और फिर दोपहर होते ही फिर से नींद लगने लग जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी काम अपना ख़त्म करके थोड़ी देर लेट जाऊँगी। दी चली गई है चाय पीने के बाद घर, और मैं अभी खाना चढ़ा दी हूँ कि खाना बन जाए, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दीदी के साथ बातें करते करते थोड़ी सी लेट हो गई थी। और यहाँ पर ना मैंने रुई को ऐसे बिछा दी है थोड़ी देर गर्म होने के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा कि आज के आज ना इसको मतलब कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तकिया मुझे बनाना है तो तकिया मैं बना देती हूँ, थोड़ी सी धूप इस पर लग जाए बस। मैं ना ये कपड़े हटा देती हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे सारे वो हो गए हैं, सूख गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले हटा देती हूँ, ताकि ये रुई को ना जब मैं ना उसको तोड़ूँ तो इसकी जो डस्ट है ना इस पे जाएगी। और मम्मी फ़ोन की थी थोड़ी देर पहले, और मम्मी बोल रही थी कि क्या कर रही हो, तो मैंने बोला कि मैं ये कर रही हूँ, तो मम्मी बोल रही है कि क्या बात है अभी सिलाई का काम नहीं है कि, मतलब वो सोच रही कि सिलाई का काम नहीं है तो और कोई काम, मैंने बोला कि काम नहीं है तो ढेरों काम है, जिस तरफ देखूँ उसी तरफ काम ही काम पड़ा हुआ है, कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है मतलब। और जैसे ही पुचकू को दिखा कि यहाँ पर रुई बिछा हुआ है और वो आके इस पे लेट गई है, और उसे भी आराम मिल रहा है। बदमाश लड़की, कहीं भी आप देखो किसी भी ओर देखो कुछ ना कुछ काम निकल ही आती है। तो मैं इधर बैठे बैठे पौधों के बारे में भी सोच रही थी कि ये पौधों के जो मिट्टी है ना उसको भी थोड़ा ढीला करना है, थोड़ी सी मैं वो कर दूंगी क्योंकि वो बहुत टाइट हो गई है। और अभी सर्दियों के टाइम पे जो है ना मिठाई वगैरह भी खाते हैं लोग, मतलब नए चावल का जो आता है ना उससे नए नए मिठाइयाँ बनाते हैं, तो वो भी नहीं मैंने अभी तक बनाया कुछ भी, तो मतलब कहीं भी देखो कुछ भी पड़ा हुआ है काम। और सिलाई का जो है, सिलाई थोड़ी बहुत है, एकदम बिल्कुल नहीं है वो बात नहीं है, है। और बाकी मेरे कपड़े बहुत सारे हैं, मतलब मेरे जो ब्लाउजेस हैं ना बहुत सारे ब्लाउजेस पड़े हुए हैं, उसे भी बनाना है, तो कौन सा काम करूँ और कौन सा ना करूँ कहीं भी देखो काम ही काम पड़ा रहता है। तो फ्रेंड रुइयों को तोड़ते तोड़ते तो मेरी कमर ही दुखने लगी है अब, और वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ दी एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।